जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय है कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र पाठ आप लोग में से बहुत सारे लोग इससे पहले कर चुके हैं या रोज करते हैं या आगे करने वाले हैं। कुंजिका शब्द का अर्थ आप सभी लोगों को पता है, या जिन लोगों को पता नहीं उसके लिए मैं बता देता हूँ। कुंजिका शब्द का अर्थ है चाबी। आप लोगों को ये सुनने के लिए मिलेगा कुंजिका शब्द अर्थ है चाबी, कुंजिका शब्द अर्थ है चाबी। तो ये चाबी कहाँ का है, तो ये चाबी लगेगा कहाँ पर, ये कोई नहीं बताएगा। ये चाबी लगेगा कहाँ पर, मास्टर की? मेरे घर का जो ताले का जो चाबी है वो आपके घर में लगेगा नहीं, आपके घर का जो ताले का चाबी है वो मेरे घर में लगेगा नहीं, तो अलग अलग चाबी है। तो कुंजी का शब्द करता है एक चाबी, तो ये चाबी कहाँ का है, कहाँ पे घुसाना है, किस ताले का चाबी है, किस ताले के अंदर घुसाने से घूमेगा और चाबी खुलेगा या घर में हमको खजाना मिलेगा, कहाँ, ये जो कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क वाला जो पॉइंट है आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस विषय के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। इससे आगे जानकारी देना मेरे वश में नहीं है। इसका कारण है स्वयं महादेव ने सीधा बोल के गया है, गुप्तो दातव्यं न देयं जस्य कस्याचित्। ठीक है, यानी कि जो गुरु को भक्ति करता है उसी व्यक्ति को ये सारे गुज्जाति गुज्ज जो रहस्य है, जो तत्व है, उस सारे तत्व को बोलना ठीक रहेगा या उचित है। इसी विषय को आप लोगों से डिस्कस करने के लिए मैं आज एक छोटा सा जानकारी मूलक वीडियो बनाया हो। आप इस वीडियो में से कुछ जान पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो मित्रों, मैं शुरू में आप लोगों को बोला था ये कुंजी का शब्द का अर्थ है चाबी, तो ये चाबी कहाँ पे लगेगा। कुंजी का पाठ आप लोग करने के बाद आप लोग को सिद्धि जो बोले थे, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, इस स्तोत्र को पाठ करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, ये महादेव ने बोला है। अच्छा है, ऐसे बहुत सारे सावर मंत्र है, सिद्ध सावर मंत्र इस पाठ करने से सिद्ध हो जाएगा, गोरखनाथ जी ने बोला है, उनके गुरु ने बोला है, या कोई और कोई सिद्ध गुरु ने बोला है। तो पाठ करके देखिए सिद्ध हो जाता है नहीं, रातों रात सिद्ध हो जाए। कुंजी का पाठ मात्रे न सिद्धि हो जाएगा, कुंजी का पाठ मात्रे न दुर्गा पाठम फलों लभेत, अति गुज्जतरम देवी देव नाम भी दुर्लभम। यानी कि समझ सकते, अति गुज्जतरम माने बहुत ही गुज्जाति गुज्ज रहस्य है, देवता से अतीत है ये, तो इतना सहज है नहीं जे एक चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा इस गुप्त रहस्य के बारे में कोई बता सके। जो बताने की कोशिश करेगा वो मूर्खता वाला एक काम है। इसलिए मैं शुरू में बोला एक हल्का सा, एक छोटा सा जानकारी मैं आज आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे आगे अगर आप लोग इससे आगे कुछ जानना चाहते हैं तो अपने अपने गुरु से जाकर सीधा पूछिए। ये जो रहस्य है, ये गुज्जाति गुज्ज है, इसको ओपन करना महापाप है। तो ये जो अनुष्ठान है, कैसे अनुष्ठान आप लोगों को करना चाहिए, किस टेक्निक से अनुष्ठान करने से कुंजिका, ये जो स्तोत्र है, ये जो कवच है, ये आपका जागृति हो जाएगा। सिद्धि किसको बोलता है, इसके विषय में अलग एक वीडियो बना के रखा हूं मैं। तो सिद्ध के सिद्धि को छोड़ दीजिए, मारनांग मोहनांग बसंग स्तंभ नोचार दिकम, ये तो मंत्र है, इसको करने से सटकर्म में सिद्धि हो जाएगा, मारन उच्चटन वशीकरण सब में सिद्धि हो जाएगा। ये तो है, मंत्रों में उल्लेख किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। जब आप कर्म करने के लिए मैदान में उतरेंगे, टीवी में जब फुटबॉल का मैच चल रहा है ना, तो आप लोग वहां से देखकर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाता है, अरे ये गोल ये नहीं हो सका, अरे हल्का सा बैट लगे, अगर क्रिकेट में भी देखेंगे तो अरे हल्का सा टच करने से बॉल ऊपर चले जाते, जो बैट्समैन खेल रहा है उसको पता है हल्का मारना है या जोर मारना है, जो टीवी में देख रहे हो तो बहुत सारा डायलॉग बाजी करेगा। तो बात ही है जो अति गुज्जतरम जो पहले ही बोल दिया है, ये बहुत ही गुज्जाति गुज्ज रहस्य, ये रहस्य को भेद करने के माध्यम एकमात्र गुरु है। बिना गुरु से ये रहस्य भेद करना असंभव है, कोई भी आपको ये रहस्य भेद करके नहीं दे पाएगा, इतना मैं आपको गारंटी देकर बोल रहा हूं। तो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इस मंत्र का अनुष्ठान कैसे किया जाएगा। जैसे मैं आप लोग वीडियो में शुरू में बताया मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, एक रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस मंत्र का पाठ कितना बार पाठ करने से मंत्र सिद्धि होगा, इस मंत्र का पाठ कम से कम आपको 1008 बार पाठ करना है, कम से कम 1008 बार। ऐसे 1008 बार विधिवत आपको कम से कम चार बार अनुष्ठान करें, कम से कम चार बार। कोली काल में जो भी कर्म
अगर सत्ययुग में एक बार होता है, त्रेता में दो बार, दापर में तीन बार, कोलिकाल में चार बार करने से, फोर टाइम, यानी कि 1,00,000 जप में अगर सत्ययुग में सिद्ध होता था, कोलिकाल में वही मंत्र 4,00,000 जप में सिद्ध होगा, 4,00,000 जप करेगा। इसलिए जो परेशान व्यक्ति जो आता है मेरे पास, बोलता है गुरु जी एक मिनट में वशीकरण नहीं होगा, और वो तो बोला है 30 घंटे में वशीकरण, 3 दिन में वशीकरण करके देगा। तो बहुत बड़े सिद्ध आत्मा है, 3 दिन में वशीकरण कर दे सकते हैं, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। 4G नहीं आया ना, 4G चल रहा है, 5G नहीं आया, इसलिए मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। मैं 1 मिनट 2 मिनट 3 दिन में वशीकरण करने का शक्ति मेरे पास नहीं है। जो नहीं है कहां से उत्पन्न करूं, ठीक है, वो अभी नहीं आ रहा है। जब 5G आएगा तब होगा मेरे पास शक्ति, अभी 4G चल रहा है, 5G आने दो तब आएगा मेरे पास शक्ति, तब इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट जरूर करूंगा मैं। तो ये जो अनुष्ठान आप लोगों को करना है, आप लोगों को 34 बार एक विधिवत संकल्प लेकर अनुष्ठान कीजिए। संकल्प जो सूत्र है वो सूत्र, एक संकल्प विधिवत संकल्प लीजिए, संकल्प लेने का विधि अपने गुरुजी से जरूर पूछ लीजिए, जरूर जान लीजिए। अगर आप लोग संकल्प लेने में असमर्थ है तो किसी से संकल्प करवा भी सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाइए संकल्प करने के लिए, अपने घर में संकल्प करवा दीजिए, आपके नाम से संकल्प ले, आपका पूजा कोष शुरू करके जाएगा। विधिवत आपको कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि से नेक्स्ट कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि तक इस मंत्र का 34 बार जाप करना है। देखिएगा कुल मिलाकर 1020 ऐसा कुछ होगा शायद, ठीक है। अभी ये जो आपका अनुष्ठान हुआ, 1 बार का अनुष्ठान हुआ, ये टोटल अनुष्ठान का आपको ब्राह्मण भोजन कराना है, यानी कि 1,000 ब्राह्मण 1,000 का 10% आप हिसाब लगा लीजिए, उस हिसाब से आपको ब्राह्मण भोजन कराकर विधिवत चंडी का पूजा अर्चना करके, शास्त्र में उल्लेख तो नहीं है हवन अनुष्ठान, लेकिन फिर भी आप लोग विधिवत एक छोटा सा हवन अनुष्ठान, कम से कम 108 का चंडी का हवन अनुष्ठान करवाकर आप ब्राह्मण भोजन करा के एक प्राथमिक कर्म को संपन्न कीजिए। ये हो गया प्राथमिक कर्म। अभी इसको करने से कोई इसको करने से कुंजी का स्रोत सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिद्धि देना या ना देना वो तो ईश्वर के हाथ में है। हम लोग कर्म कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं, ऋषि मुनि प्राचीन काल में जो संत महापुरुष सिद्ध पुरुष लोग थे उनका जीवनी देखिए, कितना घोर घोर कठोर। राक्षसों का जीवनी देखिए, घोर घोर कठोर तप किए, उसके बाद जाकर रावण का जीवनी देखिए, कितना घोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मिला। इतना सहज है क्या सिद्धि प्राप्त करना? कोई अगर हल्का से पड़ेगा मुझे कुंजी का स्तोत्र 100 बार पाठ कर ले सिद्धि हो गया, इतना सहज नहीं है। डायलॉगबाजी करने के लिए बहुत आसान है, पोस्टर लिखना भी बहुत आसान है। 1 बार पाठ करने से कुंजी का स्तोत्र सिद्ध हो जाए, मारणंग मोहनंग बसंग बोल दिया तो मारणंग मोहनंग बसंग बोलने पाठ करने से हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। ये जो प्राथमिक अनुष्ठान में आप लोगों को बताया, ऐसा प्राथमिक अनुष्ठान आप लोग के लिए सिद्धि अपने आप आपको महसूस होगा। सिद्धि किसी को बोला नहीं जाता है, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास सिद्धि है। जिसका पॉकेट में पैसा रहेगा उसका पर्स नहीं रहेगा या पर्स बहुत पतला रहेगा, जिसका पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा उसका पर्स बहुत मोटा रहेगा और कागज से भरती रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोलते जो कलश है वो अगर खाली रहता है वो बहुत जोर से आवाज करता है, कलश अगर भरती रहता है उसमें पानी या कुछ भी भरती अगर रहता है, फुलफिल अगर रहता है कलश, उसमें ठोकने से आवाज नहीं होता, उसको बचता नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। जो डायलॉग बाजी जो देता है उन लोग का जो कलश है वो कलश बहुत खाली है, इसलिए खाली कलश, खाली यानी कि जो कलश में कुछ भी नहीं है वो कलश बहुत जोर से आवाज करता है, जो भर्ती कलश रहेगा उसका आवाज नहीं होगा। इसलिए सिद्धि एक उपलब्धि है, एक अनुभूति है। ये सिद्धि अनुभूति उपलब्धि जो व्यक्ति करेगा वो निर्वाक हो जाएगा, वो मौन हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, सिद्धि के बारे में कुछ बता नहीं पाएगा। सिद्धि के बारे में माइक लगाकर माइक्रोफोन में जोर जोर से बोला नहीं जाता, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास सिद्धि है। सिद्धि का ये अनुभूति मैं ऐसा बहुत सारे वीडियो देखता हूं, भूत का अनुभूति दिखाता है, डाकिनी का अनुभूति दिखाता है, प्रेत साधना का अनुभूति दिखाता है, कितना कितना साधना का अनुभूति दिखाता है, एक इंसान के साथ कितना सारा इंसिडेंट, कितना घटना घटता है, प्रेत ऊपर से गिर रहा है ऐसा अनुभूति, दैत्य आ रहा है ऐसा अनुभूति, ऐसे बहुत सारे पब्लिक एक दिखाने के लिए, एक बनावटी प्रोग्राम बनाने के लिए ये सब आप लोगों को दिखाया जाता है। साधना अगर खुद जब करेंगे, जब आपको अगर कुछ महसूस होगा तो आप किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभूति एक अलग ही अनुभूति होता है, अनुभूति दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। कोई भी महापुरुष का जीवनी देखिए, त्रैलिंग स्वामी जी का जीवनी देखिए, जिनको जिंदा शिव बोला जाता था, काशी में जो रहते थे 250 साल जिनका जीवन उम्र था, उनका जीवनी देखिए, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोल के गए। सिद्धि के बारे में वो क्या बोले हैं, कैसे अपना उपलब्धि है, क्या बोले हैं, एक बार जीवनी पढ़िए।
तब जाकर आप लोगों को पता लगेगा। इससे आगे भी कोई सिद्ध महापुरुष जो अपने भारतवर्ष में थे उनका जीवनी पर ये सिद्धि के बारे में वो क्या बोलते हैं, और वर्तमान समय में सिद्धि के बारे में जो विद्वान जो पंडित लोग हैं वो क्या सिद्धि के बारे में बोलते हैं, ये भी दोनों में से मैच करके देखिए। अगर कंपेयर करने के बाद जिसको आपको चूज करना है आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कुंजिका स्तोत्र के बारे में मुझे जितना पता था, एक सिद्धि जो चाबी के बारे में जो बार बार उल्लेख किया जा रहा है, एक चाबी के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, इस चाबी आपको एकमात्र आपको गुरु ही बता पाएगा। ये कुंजिका यानी कि ये चाबी किस ताले का है और किस ताले में इसको लगाने से ये आपका काम करेगा, इतना सहज विषय नहीं है। बोलने से बहुत सहज है, कुंजी का शब्द का अर्थ है चाबी, लेकिन ये चाबी कौन से ताले का है आपको कोई नहीं बताएगा जब तक आपका गुरु आपको मार्गदर्शन नहीं करता है। कुंजी का सूत्र पाठ करने का संपूर्ण विधि मैं आप लोगों को बता दिया, एक बार अनुष्ठान करके देखिए अनुभूति कैसा है, दो बार अनुष्ठान कीजिए, तीन बार अनुष्ठान कीजिए, चौथा अनुष्ठान कीजिए, चार बार अनुष्ठान करते करते मेरा विश्वास है आप लोगों का मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। विधिवत संकल्प लेकर अनुष्ठान कीजिए, संकल्प में जो मनोकामना उल्लेख शुरू के दिन से करें वही उल्लेख अंतिम दिन तक ही रखे, मनोकामना में परिवर्तन ना लाए, मनोकामना में परिवर्तन ना आए। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का मनाया, ये एक संकल्प का वाक्य है। ये जो संकल्प का वाक्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार अभी कुछ दिन के बाद आप बोल दिए जे एक घर का कामना ठीक है, एक पत्नी का कामना या रोग प्रशमन का मनाया, ऐसा परिवर्तन मत कीजिए। शुरू से जिनसे जो भी मनोकामना लेकर संकल्प किए अगर सेकंड अनुष्ठान भी करते हैं तो वही मनोकामना वही संकल्प को लिख कर रखिए या वॉयस रिकॉर्डिंग करके रखिए, सेम संकल्प वाक्य ही ईश्वर के सामने पड़े, नहीं तो ईश्वर भी कंफ्यूज हो जाएगा आपका क्या इच्छा है। मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से कैसे मांगा जाता है, कैसे ईश्वर से आप लोग मांगने से ईश्वर आपका मनोकामना पूर्ण करेगा, उसका उस टॉपिक को लेकर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसी हफ्ते डालूंगा। वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को देखिए। मैं अपने चैनल में जो भी टॉपिक जो भी वीडियो जो भी प्रयोग आप लोगों के लिए डालता हूं सब ऑथेंटिक प्रयोग है, कोई बनावटी प्रयोग नहीं है, कोई भी ड्रामा मेरे चैनल में मैं नहीं करता हूं, ना कोई ड्रामा मूलक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाता हूं जिससे आप लोग देखकर आप लोगों को कोई फायदा ना पहुंचे। जो भी प्रयोग मैं बताता हूं सब सनातन धर्म तांत्रिक प्रयोग सभी प्राचीन शास्त्र से रिलेटेड है, कोई भी मेरे बना हुआ है, कोई भी मेरे क्रिएट किया हुआ कोई भी प्रयोग नहीं है। कुंजी का स्तोत्र पाठ आप लोगों को बहुत सारे लोगों को आता है, कुंजी का स्तोत्र का पाठ करने से पहले विधिवत महाशक्ति का मातेश्वरी का थोड़ा बहुत पूजा अर्चना अगर आप लोग जानते हैं तो पूजा अर्चना करके आप लोग अनुष्ठान कीजिए, अगर पूजा अर्चना नहीं जानते हैं तो मातेश्वरी के सामने धूप रखिए, धूप रखिए, घी का दिया जलाइए और मातेश्वरी के सामने कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। सीनुदेवी प्रवक्षामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम जनमंत्र प्रभावेन चंडीच वंशुभं भवेत् न कवजं न सूक्तं न कीलकं रहस्यकं नापि ध्यानं चरणेषु न च भर्जनम् कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अति गुज्जतरं देवी देवनामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन सजनिवाच्य पार्वती मारणं मोहनं वशं स्थाम्मन चिदिकं पाठमात्रेण संसिद्धि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम् अथ मंत्रं सुं 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 सं फाट रिं रिं क्लिं जल जल प्रज्वल रिं रिं क्लिं साभय साभय सापं नाश नाश श्रीं सिंग सिंग जुम सादेश्वा नमस्ते रुद्र रूपा वै नमस्ते मधु मर्दिनी नमस्ते कोइठ भारी नमस्ते महिष मर्दिनी नमस्ते शुंभुंति शुंभ स्वरूपांतनी नमस्ते जागृति जप सिद्धि कुरुष्मे ओंकारी सृष्टि रूपा वै रिंकाली बालिका क्लीं ओंकाली काल रूपिणी बीज रूपे नमस्तु ते चामुंडा चंड घाति जयकारी वरदायिनी विच्छिन्न भगा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धां धीं धूं धुर्जटे पत्नी बांग बीं बुम बागेश्वरी तथा क्रां क्रीं कुं कुंजिका देवी सां सिं सुशुभ हुं 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 कार रूपा वै जांग जिंग जुंग भरनादिनी भांग भिंग भुंग भरे भद्द भवन नीति नमो नमा ओं ओं कं चं तं तं पं सांग विदुरांग विमर्दा विमर्दा हं स्कांग सिंग सिंग जीवा जीवा त्रुट त्रुट जंभ जंभ दीप दीप मोच मोच हुं फट जांग बोसट ऐं रिं क्लिं रंज रंज संज संज गुंज गुंज बंध बंध भांग भिंग संचल संचल त्रुट त्रुट म्लिं स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पुन्ना खां खिं खुं खेचरी तथा म्लां म्लिं मूल विष्णु कुंजिका वै नमो नमः सांग सिंह सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुष में संपूर्ण जरक्षर परिभ्यस्य मात्र हीनंच भवेत् पूर्णम भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादन सुरेश्वरी। तो ये जो स्तोत्र में पाठ किया
आप लोग अंत में देखें, अभक्त अभक्ते नौचतत्वं गोपितं रक्ष पार्वती, यानी कि जो भक्ति युक्त नहीं है उससे ये स्तोत्र को हर समय पार्वती को छुपा कर रखने के लिए महादेव निर्देश कर रहे हैं। तो इतना सहज स्तोत्र नहीं है जो हर कोई पाठ करके सिद्ध कर ले। मारणंग मोहनंग बस संस्तंभन उच्चरणिकम, इतना सहज नहीं है। पाठ करने से मारण मोहन स्तंभन उच्चरणी इजीली हो जाएगा। विषय को आप आशा करता हो, इस स्तोत्र अगर कोई पाठ करता है तो स्तोत्र का संपूर्ण बीज मंत्र का खेला है, संपूर्ण शुरू से लेकर अंत तक पूरा बीज का है। धांग धींग धूंग धुज जोटे पोतनी, समझ गए, टोटल पूरा बीज मंत्र का खेला है। इतना इजी नहीं है, इतना सहज नहीं है। इसका आगे भी अनुष्ठान का विधिवत एक अनुष्ठान का एक और भी एक रहस्य है, जो रहस्य मैं आप लोग के सामने उद्घाटन नहीं कर पाऊंगा। उस रहस्य को जानने के लिए आप लोगों को गुरु जी के साथ जरूर परामर्श करके अनुष्ठान को आप लोग शुरू कीजिए। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों का है तो सीधा कमेंट कीजिए या फेसबुक मैसेंजर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर संपर्क करके, व्हाट्सएप पर कॉल करके या मैसेज करके वीडियो से संबंधित कोई भी विषय मत पूछे। आज का वीडियो इतना ही, मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।